हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल। तो ये बैल साहब कोई लोकेशन देख रहे थे, हमें जाना था फैंटासिया स्नो पार्क ऋत्वी को लेके, क्योंकि हमारी वापसी बहुत जल्द जो है वो घर की हो रही थी। तो यहाँ पे मैं स्किन केयर कर रही थी और मैं रोज़ फ़ोन में देख के स्किन केयर करती हूँ, क्योंकि वहाँ पर बड़ा सा मिरर हमारे पास नहीं था। दैट्स वाई मैं आपके साथ शो करती हूँ। तो यहाँ पर मैं इनको उठा रही थी कि उठो, अपना ड्रेस चेंज कर लो, क्योंकि इन्होंने कुर्ता पजामा डाला था और ये मैंने सिंपल सी टी शर्ट डाली है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी। और ये मैंने सारी जो टी शर्ट्स हैं, लोअर्स हैं, अमेज़ोन से ही बाय किए थे। एक तो रेट अच्छा मिल जाता है, क्योंकि मुझे वेस्टर्न मैंने इतना डालना नहीं होता, बाहर ही आने जाने पे डालना होता है, तो महंगा मैं लेती नहीं, सच्ची मैं बताऊँ तो। तो यहाँ पे बस स्किन केयर हो गया था, उसके बाद मैंने बालों में थोड़ी सी सीरम लगाई, क्योंकि यहाँ का पानी है ना जो हैवी हैवी है, और मेरे हेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए थे यहाँ पे रह के। तो यहाँ पे मैं बच्चों के साथ भी लगी हुई थी और उसके साथ मैं अपनी तैयारी भी कर रही थी। और फिर हम निकल गए फैंटासिया पार्क, या फैंटासिया मॉल है ये, इसमें स्नो पार्क है ये देखिए, और ये कसौली के रास्ते में पड़ता है। मतलब जिरकपुर से मान लीजिए 1-1.5 घंटा लग गया होगा हमें। और वहाँ पे सबसे पहले तो हम पेट पूजा के लिए बैठ गए, नीचे हल्दीराम का रेस्टोरेंट था और वहाँ पे हम बैठ गए, लिटिल बिट थोड़ा बहुत खाएंगे पिएंगे, ताकि ऋत्वी फिर इंजॉय कर सके, ऐसा ना हो खाली पेट उसका जो है इंजॉयमेंट में फ़र्क पड़े। और रिदू इतना इंजॉय करता है गाइस, बाहर जाके इतना मस्त रहता है। और सबसे ज़्यादा इसके मस्त रहने का रीज़न है ये बेल्ट। इस बेल्ट में एक तो मुझे दिक्कत नहीं होती, मैं कंफर्टेबल रहती हूँ, मुझे थकावट नहीं होती, और दूसरा रिदू भी एकदम से कम्फर्टेबली इधर उधर घूम के देखता रहता है। बच्चा ना हाथों में भी बज जाता है, ये भी दिक्कत हो जाती है। मैं ये व्लॉग एडिट करते हुए ना थोड़ी सी कंफ्यूज थी, ये वाला ब्लॉग डालूं ना डालूं, क्योंकि घर आ गई हूँ, डेली रूटीन वाले ब्लॉग शुरू कर दूं। फिर मैंने सोचा चलो छोटा सा है, डाल ही दूं। इसके बहुत सारे रीज़न हैं, सबसे टॉप प्रियोर रीज़न तो ये था कि एक प्रॉपर शूट नहीं कर पाती हूँ मैं ब्लॉग बच्चे के साथ। दूसरा था यार, लोग ये बहुत सोच रहे हैं कि फुकरे लोग जो है ना वो ही चंडीगढ़ जाके रहते हैं, फुकरी मारते हैं, पता नहीं ऐसी वैसी चीज़ें, और मुझे एटीट्यूड इस तरह से देते हैं ना कि पता नहीं मैंने उनके साथ क्या कर लिया हो। तो मुझे भाई मेरी सेहत पे कोई असर वसर नहीं है, चाहे मुझे कोई एटीट्यूड दिखाए मेरे सामने बैठ के, जहाँ पीठ पीछे, या कमेंट करके, या मेरे आसपास से गुजर के मुझे कोई एटीट्यूड दिखाए, आई डोंट केयर, यू नो, आई डोंट केयर। मैंने बुरे से बुरा वक्त अपनी ज़िंदगी में देख लिया है, मैंने वो टाइम ज़िंदगी में देखा है जब आपके पैर ज़मीन पे नहीं होते, आप बड़े हवा में उड़ते हो, और वो वक्त भी देख चुकी हूँ जब आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आपके साथ क्या हो रहा है। मतलब बुरे से बुरा वक्त, अच्छे से अच्छा वक्त, दोनों देख के भगवान की कृपा से मैं बहुत ज़्यादा संभल चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा समझ आ चुकी है मुझे। और मुझे ये पता चल चुका है कि कोई भी इंसान जो आपके मुंह पे आपका बना हुआ है, आपको बेटा बच्चा करता है, बहला फुसला के आपके घर की बातें आपसे निकालता है, आपका अपना कभी नहीं होता। मैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ चुकी हूँ, बहुत सारे अच्छे लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे, ससुराल साइड से भी देखे, उनके साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा रहा, अब नहीं है या ऐसा है वो है, सब देखे हैं मैंने, सब कुछ देखा। तो ये जो फुकरी वाली बात है कि वहाँ पे फुकरे लोग रहते हैं, लापरवाह लोग रहते हैं, ये है वो है, तो आई डोंट केयर यार, जितने मर्जी कमेंट करो, जितना मर्जी बोलो, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है इन चीज़ों का फ़र्क पड़ने के लिए। तो चलो बातें बहुत अलग सी हो गई। तो ये एक 45 मिनट की आपको एक जर्नी यहाँ पे मिलती है, बहुत ही अच्छा स्नो पार्क है। इस एक बड़ा सा हॉल है जिसे तैयार किया गया है, इसके अंदर आइस स्नो टाइप सब कुछ है, 2 से लेकर 4 डिग्री तक इसके अंदर टेम्परेचर है। आपको एंट्री के लिए कपड़े दिए जाते हैं, गरम सॉक्सेस दी जाती हैं, शूज़ दिए जाते हैं, ग्लव्स दिए जाते हैं, और ये देखिए इस तरह से ये सब कुछ जो है वो स्नो से बना हुआ है, बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो यहाँ अंदर मैंने और ऋत्वी ने ही अपना जो है वो टिकट लिया था, हृदय की तो टिकट होगी नहीं ऑब्वियस है, और वो उसको लेके भी नहीं जाएंगे क्योंकि ठंडा बहुत था। तो बैल साहब ने डिसाइड किया कि वो हृदय के साथ बाहर रहेंगे, क्योंकि मैंने उसको दूध पिला दिया था, वो चिल मार रहा था, आधा घंटा 40 मिनट में मैंने बाहर आ जाना था। तो उन्होंने बोला कि ऋत्वी तेरे साथ ही इंजॉय करेगी, तो तू जा। मैंने तो कुछ इंजॉय नहीं किया, बस मैंने पूरा ऋत्वी का इंजॉय किया, जिधर भी जा रही थी उसकी वीडियोस बनाना, पिक्चर्स क्लिक करना। तो अगर आप एक अच्छा सा वकेशन प्लान कर रहे हैं, चंडीगढ़ के आसपास हैं, आप जाना चाहते हैं, तो यहाँ ज़रूर जाइए, फैंटासिया मॉल, स्नो पार्क,
बहुत हमने दोनों ने मम्मा बच्चा ने वहाँ पे अंदर इंजॉय किया। मैंने इसको अच्छे से खूब से इंजॉय किया करवाया। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने इतना प्यार दिया है ना, मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरे थॉट्स को आपने बहुत ज़्यादा सराहा, और जब आपकी वहाँ पे मेरे साथ कमेंट्स में चैट होती है, अगर आप मेरे थॉट्स के साथ एग्री नहीं करते हैं तो उसके बाद वो रीजंस रिजॉल्व करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं ऐसे ही वैसे रील्स नहीं डालती हूँ ना, ऐसे डालना नहीं चाहती। मुझे होता है कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं, और मैं तो बहुत कुछ सीखती हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है। और ये कार में माजा की बॉटल्स के साथ खेल रहे थे, और खेलते खेलते कब सो गए पता ही नहीं। हरित्वी ने ये वीडियो बनाई कि मम्मा ये देखो दूध नहीं पी रहा, माजा पी रहा है। और आते आते फिर हम गए मेट्रो में, क्योंकि मिस्टर बहल को लेना था नॉनवेज, और दे सेड कि हम चले जाएंगे घर को तो कुछ शॉपिंग देख लो, अगर कुछ अलग सी चीज़ यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे बड़ा मेट्रो है, मेट्रो हम जलंधर आते जाते रहते हैं, बट सेम ही था, ऐसा कुछ तो नहीं था। एक दो चीज़ें आपको पता है बच्चे जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो शॉपिंग कर ही लेते हैं, तो हरित्वी ने शॉपिंग कर ली। मुझे लगता है वॉइस ओवर मैंने बहुत ज़ोर से दिया है, क्योंकि मेरे पास मेरे दोनों बच्चों ने शैतानियों का अंत कर रखा है दोनों ने। और ये देखो ये कैमरा पर्सन है, इतना खुश हो रहा था। और यहाँ मेट्रो पे हम आके बैठ गए थे, जो छुटपुट सामान लिया, बैल साहब करवा रहे थे बिल, मैं इसके साथ इंजॉय कर रही थी, और हरित्वी अपना मस्त रहती है। और बस रवानगी जो है वो जल्दी ही होने वाली है। और फिर हम रात को गए चंडीगढ़ 17 सेक्टर। एक तो रीज़न था कि मुझे ननद की बेटी के लिए शॉपिंग करनी थी अच्छी सी, क्योंकि यहाँ पे मेरी बहुत ही फेवरेट शॉप है क्यूट कंबा। हृदय ने बहुत शोर मचा रखा है पीछे, वहाँ पे गर्ल्स के कपड़े बहुत क्यूट मिलते हैं, तो वो लेने गई थी मैं। और फाउंटेन वगैरह देखा, और ये बस वो सुबह आ गई जब हम आने वाले थे वापस। और हम दोनों पति पत्नी यहाँ पे लगे हुए थे, पूरे घर को साफ़ करके रैप अप करना था, चीज़ों को सेट करना था और सफाई करनी थी। और बस रैप अप करते करते दिखा ये मेरी चप्पल यहीं छूटने वाली थी, तो मैंने ये उठा ली। पता आपको बताऊँ तो मेरा दिल भी नहीं कर रहा था यहाँ आने से, साफ़ सुथरा सा घर था, खुला खुला सा घर है, पेंट है, सब चीज़ें मैचिंग सी हैं, अपना घर लगने लग गया ना, क्योंकि अब हम 2-3 बार यहाँ पे रह लिए हैं, खाना वाना यहीं पे बनाते हैं, चीज़ें लेनी शुरू कर दी हैं, तो वो वाली फीलिंग आ गई है अपना घर वाली। और चारों साइड से बालकनी है, वेंटिलेशन मतलब अच्छा है, खोलो धूप अच्छी लगती है, हवा आती है, तो ये सारा अब मुझे कैमोफ्लाई करना था, ये पोछा वगैरह ये सारी चीज़ें। बाकी जो बहल साहब कर सकते थे उन्होंने की, क्योंकि मैंने हृदय को नहला धुला के सुलाया था ताकि ये सोएगा, फिर ही दोनों जाने हम जो है ना वो घर को रैप अप कर सकते हैं। और फिर हमारी रवानगी हो गई। दिल में एक दोनों साइड के इमोशंस थे, एक तो घर जा रहे थे, मम्मी पापा कब से अकेले हैं वो वेट कर रहे थे, उनका दिल नहीं लग रहा था, और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था भाई वापस आ जाओ, उनके पास भी जाना था, कब से अकेले हैं, 10-12 दिन से अकेले थे, तो वो वाली एक फीलिंग भी थी। लेकिन घर को छोड़ के जा रहे थे यार, वो वाली फीलिंग भी थी सच्ची, सैड भी थी मैं कि हाय घर को छोड़ के जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हम हवेली में रुके, क्योंकि हमने लंच नहीं किया था, जस्ट ब्रेकफास्ट किया था, ऐसे ही निकल आए थे, लंच बनाया ही नहीं था, तो इन्होंने बोला था बनाना ही मत क्योंकि फिर बहुत काम बढ़ जाएगा, हम बाहर लंच करेंगे। तो क्योंकि मैं बाहर ना बहुत कम खाती हूँ, मुझे दिक्कत हो जाती है, मुझे टेस्ट भी नहीं लगता, मुझे ना सिंपल सा खाना पसंद है। इतना बड़ा मेन्यू दे दिया इन्होंने, लक्कड़ की पट्टी सी पे मेन्यू था, इतना हैवी था, कम से कम इसका 250 ग्राम जो है वो वेट होगा मुझे लगता है। तो सिंपल सा मैंने और हरित्वी ने अपने लिए मंगाए चने भटूरे। मैं बाहर खाना कभी नहीं खाती, जब मैं खाती हूँ तो भटूरे खाना ही मैं प्रेफर करती हूँ उसके साथ, क्योंकि मैं चने नहीं खाती, जो आलू दिए जाते हैं ना उनके साथ मैं खा लेती हूँ, बस चने नहीं खाती हूँ। तो बैल साहब ने अपना ऑर्डर किया था, और ये जनाब ने इतनी भारी भारी इनकी कटोरियाँ थी, ये पता नहीं आई थिंक पित्तल की थी या कांसे की थी, इन्होंने अपना खेलना शुरू कर दिया था। और बस आपको कल से जो है वो डेली रूटीन वाले ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, रूटीन मेरा मैंने शुरू कर दिया है, जो लोग मिस कर रहे थे मेरे रूटीन ब्लॉग्स। और ट्रैवल ब्लॉग्स में क्योंकि अच्छे से शूट भी नहीं किए थे, डालने को भी नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो डाल ही देती हूँ, क्योंकि कुछ हैं जो बहुत पसंद करते हैं, कुछ होता है ना कईयों को नहीं पसंद होते, जैसे कईयों ने ये शुरू कर दिया कि हाँ ये चले गए हैं वहाँ पे फुकरी मार रहे हैं वो मार रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आया यार कौन सी फुकरी मार दी मैंने, मुझे यही नहीं पता चला, चलो कोई बात नहीं।
मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, डेली रूटीन वाले में। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहें, थैंक यू।